हेलो दोस्तों, जेई मेन 2025 का नोटिफिकेशन जो है नेशनल टेस्ट एजेंसी ने जारी कर दिया। यहाँ पर आपकी एग्ज़ाम की फॉर्म फिल करने की डेट जो है वो है आपकी 28th of अक्टूबर, यानी कि कल से ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो कंप्लीट नोटिफिकेशन हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स जो हैं एग्ज़ाम के लिए वो क्या हैं। ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म 28/10 यानी कि कल से स्टार्ट हो गया और 22 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हो, 9 बजे तक, रात 9 बजे तक। लास्ट डेट आपकी है एप्लीकेशन फ़ी जमा करने की 22 नवंबर ही है, 11:50 तक रात को, राइट। करेक्शन इन पार्टिकुलर ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म will be displayed on the NTA website, right? So यहाँ पर जैसे आपने फॉर्म भरा उसमें कुछ गलतियाँ हो गई तो उनका करेक्शन के लिए वो जो डेट होगी वो बाद में आएगी। ठीक है, अभी तो आपको 22 नवंबर तक फॉर्म भरना है और आप सावधानी रख करके जो है फॉर्म एक ही बार में सही तरीके से भर दीजिए। ठीक है, सिटी इंफॉर्मेशन स्लिप फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी आपको मिल जाएगा कि कौन सी सिटी में आपका एग्ज़ाम होगा, ताकि उस हिसाब से आप रिजर्वेशन करवा लीजिएगा। 3 दिन पहले आपका एग्ज़ाम के 3 दिन पहले आपका जो है एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। और एग्ज़ाम डेट जो है 22 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक है। जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा आपका सेशन 1 होगा जनवरी सेशन का, जेई मेन का। ठीक है, वो कब से होगा? 22 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में होगा। ठीक है, 12 फरवरी को इसका रिजल्ट आ जाएगा। सेकेंड सेशन जो है अप्रैल में स्टार्ट होगा। ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन जो है 31 जनवरी से 24 फरवरी तक के बीच में इसके फॉर्म भरे जाएंगे। लास्ट डेट होगी 24 फरवरी। ठीक है, फिर करेक्शन अगर कुछ करना है तो वो बाद में आप NTA की वेबसाइट पर आप देख सकते हो। और सिटी आपका कौन सी सिटी में आपका एग्ज़ाम होगा वो आपको बता देंगे मार्च सेकेंड वीक में। 3 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा इसका भी, और 1 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल के बीच में ये एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और इसके बाद अगर आपका क्वेश्चन पेपर में जो आपने अटेम्प्ट कराए आंसर की में कुछ करेक्शन है तो उसके लिए आप जो है यहाँ पर NTA की वेबसाइट पर आप जो है अपील कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद डिक्लेरेशन होगा रिजल्ट का 17 अप्रैल को। सेकंड शिफ्ट का रिजल्ट आ जाएगा 17 अप्रैल को। तो मोटा मोटा आपको क्या देखना है, अभी फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिए गए हैं तो आप फॉर्म भर फिल कर दीजिए सबसे पहले। तो उसके बाद आपका 3 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो 22 जनवरी है तो लगभग जो है 18-19 जनवरी को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और जिस सिटी में आया है उसका पहले से ही आप जो है रिजर्वेशन करा लेना, है ना। मोस्टली तो आप जो चॉइसेस भरोगे उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको। पेपर 1 होगा BE BTech का, 3 घंटे का होता है। पेपर 2 BE Architect का, वो भी 3 घंटे का ही होगा। और पेपर 2 BE Planning वो भी 3 घंटे का हो। दोनों अगर आप दे रहे हो BE Architect BE Planning तो ये 3.5 घंटे का होगा। पेपर में टाइमिंग जो होगी 9 से 12 और 3 से 6, दो शिफ्ट में चलेगा। और ये जो 3.5 घंटे का पेपर होगा 9 से 12:30 और 3 से 6:30 बजे तक उसकी टाइमिंग रहेगी। ठीक है, मेल कैंडिडेट के लिए फीस 1000 है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 रुपये फीस है जनरल कैटेगरी में। ठीक है, इसी तरीके से जनरल EWS OBC के लिए 900 रुपये फीस है मेल के लिए, फीमेल के लिए 800। SC ST जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनकी मेल फीमेल की 500 है। थर्ड एंजर्ड है उनकी भी 500 है। जनरल
EWS OBC किसके लिए? ये इन तीनों एग्जाम के लिए, इन इन एग्जाम के लिए जो फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे है वो आपको दे रखा है करस्पॉन्डिंगली। और इंडिया से बाहर के बच्चे अगर एग्जाम दे रहे हैं या आउटसाइड सेंटर, इंडिया इंडिया से आउटसाइड सेंटर पर एग्जाम हो रहा है तो फीस आपकी ये होगी अगर आप बाहर का सेंटर ले रहे हो। ठीक है, तो कंप्लीट नोटिफिकेशन का लिंक तो हम डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, मेन मेन चीज हम इसमें बता देते हैं ब्रीफ में आपको। तो मेन तो आपकी इम्पोर्टेंट डेट्स ही है। पैटर्न की हम बात कर लेते हैं। इस बार 25 क्वेश्चन आएंगे, पैटर्न आपका थोड़ा सा चेंज हुआ है। ठीक है, और जिसमें से 20 क्वेश्चन तो एमसीक्यू के होंगे और 5 क्वेश्चन भी होंगे आपका न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो हर पेपर के मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री के 25 25 25 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल 75 क्वेश्चन होंगे और 300 मार्क्स का जो है ये आपका पेपर होगा बीटेक के लिए, राइट। सिमिलरली यहाँ भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और यहाँ मैथ्स का पेपर होगा जैसे इसका, तो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे और यहाँ पर एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा और ड्राइंग का टेस्ट होगा बीआर के डेट के लिए। ठीक है, इसी तरीके से बी प्लानिंग में एमसीक्यू है और न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। पार्ट वन जो होगा मैथ का पेपर, सेकेंड एप्टीट्यूड टेस्ट में एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चन पेपर में भी एमसीक्यू ही आपको मिलेंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम का कोई यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया कि 20 क्वेश्चन तो आपके क्या आएंगे, तीनों सब्जेक्ट के, बीटेक सब्जेक्ट के लिए आपके एमसीक्यू आएंगे। 5 जो सेक्शन बी में होंगे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, आपको इनका आंसर खुद ही लिखना है। ठीक है ना, यहाँ ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो 300 नंबर का पेपर होगा, ईच सब्जेक्ट 100 मार्क्स और टोटल 75 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर के लिए +4 होगा, नेगेटिव के लिए अगर आप इनकरेक्ट कर देते हो तो -1 हो जाएगा। ठीक है, और न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन जो होगा उसमें अगर आप सही करते हो तो 4 नंबर, गलत करते हो तो -1 नंबर, और अगर अटेम्प्ट नहीं करते तो आपको 0, या मार्कडिस रिव्यू कर दिया तो भी आपको 0 मार्क्स ही मिलेगा। ठीक है, बी आर्किटेक्ट की बात करें तो बी आर्किटेक्ट के अंदर जो है आपका यहाँ पर मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चन तो सेक्शन वन में एमसीक्यू आएंगे, 5 क्वेश्चन जो आएंगे आपके वही वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, एप्टीट्यूड के एमसीक्यू 50 और ड्राइंग टेस्ट के लिए आपके 2 क्वेश्चन होंगे, टोटल 77 क्वेश्चन होंगे, 400 मार्क्स का पेपर होगा। प्री प्लानिंग में भी आप देख लीजिए सेम वही चीज है, यहाँ पर थोड़ा सा मार्किंग क्वेश्चन चेंज है, जैसे यहाँ पर 100 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर 25 क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के लिए, 20 क्वेश्चन फॉर सेक्शन वन, 5 क्वेश्चन फॉर सेक्शन बी, एंड एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन है, प्लानिंग के भी यहाँ पर जो है 25 क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन है, टोटल मार्क्स आपके 400। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे।